महाराज आप ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। क्या बताए, भयानक सपना देखा। सपने में हमारा विवाह उस नागिन के साथ हो गया और उसने हमें डस लिया। तिलोत्तमा, कभी कभी तुम्हारी आवाज इतनी बदल क्यों जाती है? कहीं तुम इच्छाधारी नागिन तो नहीं? नहीं, आप नहीं हो सकते। लेकिन अब्बू जान, हमें ये नागिन बड़ी बेवकूफ नजर आती है। जब उसे डसना ही था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? महाराज, ये सिर्फ एक सपना था, ऐसा सच में नहीं हो सकता। हमें बीरबल जी पर पूरा भरोसा है, हम उनकी तनख धुंधा देते हैं, मतलब जमानत देते हैं। तो फिर आपकी जमानत कौन देगा? कल इन्हीं की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से हमारे जा की जिंदगी चली जाती। नहीं तो भला है हमारे शहजादे शेखू के दिए हुए लोहे के जूतों का, जिन्होंने जा को एक नई जिंदगी दी। मामू जान, ये तो हमारा फर्ज, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, अब हम अब्बू जान के लिए लोहे के मोजे भी बनवा रहे हैं। बेटा, सिर्फ मोजे ही क्यों? हम तो कहते हैं कि लोहे की चादर और लोहे का मफलर भी बनवा लो। ठीक है अब्बू जान, इत्मीनान रखिए, ये सब बन जाएगा। और कुछ बनवाना? फांसी का बंदा बना सकते हैं? महारानी जी, माफ कीजिए हमें, पिछली बार हमसे गलती हो गई, लेकिन इस बार मुनागिन कामयाब नहीं होगी। आपको जो करना है करिए बीरबल, पर यूं हाथ पर हाथ धरे हम भी नहीं बैठ सकते। आज हमने छोटे को नागेश्वर पहाड़ी के बाबा नागो के पास भेजा था। हाँ जी जी, और बाबा नागोर ने नागिन के दान देकर हमसे कहा कि वो कोई साधारण नागिन नहीं, अपितु एक बहुत ही खतरनाक, शक्तिशाली, जहरीली, इच्छाधारी नागिन है, जो किसी का भी रूप ले सकती है। सुना आपने महाराज, आपका, शेखू का, चंगेज का, यहाँ तक कि हमारा भी रूप ले सकती है वो नागिन। अम्मी जान, आपका रूप नहीं लेगी। अगर उसने आपका रूप लिया तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि चांद में दाग हो सकता है लेकिन हमारी प्यारी अम्मी जान में नहीं। वाह शहजादे, हमें आप पे गर्व है। ये इच्छाधारी नागिन एक ढकोसला है, किसी दुश्मन की कोई चाल है। नहीं बीरबल, अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। हमें महाराज की सुरक्षा की बहुत चिंता है और उसका उपाय भी बताया है बाबा नागो ने। छोटे, बताओ ना। जी जी जी। बाबा नागो ने हमसे ये भी कहा है कि यदि हमें पर संदेह हो, हमें उस इंसान के सामने ये बीन बजानी चाहिए, और यदि वो इंसान नागिन की तरह नाचे तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, जो बेस बदल कर हमारे सामने आई है। और ताराबाई और तिलोत्तमा जी, आप दोनों अपने कक्ष में जाइए, हमें एकांत में अपने परिवार वालों से कुछ बात करनी है। अपना बीन बजाने के बाद जब नागिन नृत्य से हमें ये पुष्टि हो जाए कि वो एक असली इच्छाधारी नागिन है, तब हमें बाबा नागो का ये अद्भुत नाग भस्म उस नागिन पर मारना है, और वो नागिन इसी क्षण भस्म हो जाएगी। हम आपको दिखाते हैं, जा। जय बाबा नागो के। ये क्या किया दिग्विजय ने? जामाना, चिंता मत कीजिए, ये कोई भस्मासम नहीं है, ये रासायनिक पदार्थ जो हवा की गति और हाथों के वेग से किसी पर भी मारा जाए तो इस तरह का छोटा विस्फोट होता है। राजा बीरबल जी, किसी पे क्यों मानेंगे? आपको मूर्ख दिखते हैं, मूर्ख है हम, पहले पुष्टि करेंगे कि वो असली नागिन, उसके पश्चात ही उस पर मारेंगे। हमें नहीं पता कि वो नागिन असली है या नकली, लेकिन इतना पता है जामाना, आज उस नागिन को हल्दी लगाने के लिए हम महल में नहीं आने देंगे। सही तरीके से लगाओ
और इसी तरह के सूचना पत्र बाजार में चारों ओर लगा लगाते जाओ, और आप उस तरफ लगाइए। सभी को यह सूचना दी जाती है कि हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अब नेवलों से घिरे हुए हैं और किसी भी तरह के नागिन से सुरक्षित है। राजा बिरबल जी, ये देखिए 12 नेवले और आ गए हैं। डरना मना। बहुत अच्छा रफीक, अब इनमें से 2 जहां बना के शयन कक्ष में लगवा दो, 5 गलियारे में, और बाकी के 5 जहां बना के साथ जो सैनिक है उन्हें दे देना। ठीक है। अभी क्या है ये सब, कहां है नेवले, ये चल क्या रहा है, खुद भी झूठ बोल रहा है और मुझसे भी झूठ बुलवा रहा है। अबे लाल लंगोट, इसे कहते हैं मानसिक दबाव बनाना। हमें यकीन है कि ये जो इच्छाधारी नागिन है ये कोई औरत है और जहां बना पर सांप दौड़ रही है। हम बस उसे डराना चाहते हैं। यकीन है कि वो नहीं कहीं से छुपकर हमें देख रही है। अरे तमा तमा जी, पेटी में क्या है? अभी बताते हैं। इसमें 3 सांप हैं जिन्हें नेवलों ने जमीन खोद कर निकाला और इनका तनक धिंधाक कर दिया। बहुत ही खूंखार नेवले हैं वो। जाइए, इन सांपों को दफना दीजिए। चाल तो तूने बहुत अच्छी चली है बीरबल, पर अफसोस तू मुझे महल के अंदर आकर अकबर को हल्दी लगाने से नहीं रोक पाएगा। हाय, आपके साथ रहते रहते हम भी कितनी अकलमंदों वाली बातें करने लग गए हैं ना। सोचिए, अगर हम यूं ही जिंदगी भर साथ रहे तो हमारा भोपो भी कितने प्यार से बजेगा। फिलहाल तो हमें हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को सुरक्षित करना है। वैसे कर क्या रहे हैं जहाँ पर? फिलहाल तो वो अपनी बीन बजाने में व्यस्त हैं। महारानी, हमें देखकर आपने तलवार क्यों निकाल दी? महाराज, हमें देखकर आपने बीन क्यों बजाई? हम आपको बताना चाहते थे कि इसकी आवाज कितनी तेज है। हम आपको बताना चाहते थे कि इसकी धार कितनी तेज है। महारानी साहिबा, जहां पना से टक्कर। जी महाराज, दिखाएं? अच्छा, ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं। हमने बीन रख दी, मतलब हथियार डाल दी। ठीक है महाराज, फिर हम भी मयान में अपनी तलवार डाल देते हैं। अब आप ये दूध पीजिए। हमारे लिए लाए या बस्ती वालों के लिए? इतना बड़ा पी लेंगे, लेकिन आपको जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? तारा को भेज देती। दासी, दासियां? इतनी दासियां क्यों रखी हमने इतने बड़े महल में आपके लिए? नहीं महाराज, आज हमारा सुहाग संकट में है। हम आपके खान पान के लिए किसी और पे विश्वास नहीं कर सकते। हम आपके शुक्रगुजार हैं, ममनून हैं। धन्यवाद महाराज, आप पी लीजिएगा। पूरा पी लेंगे। हम चलते हैं। जी। जैन अजीब। ये नहीं है साहब, कहाँ रवाना हो गया? सहजादे, क्या कर रहे हैं आप? नागिन का पता लगा रहे हैं।
नागिन जिस भी रूप में होगी हमारी बीन की आवाज सुन के अपने असली रूप में आ जाएगी और उसके बाद हम उसको थर दबोचेंगे क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। नाग नागिन का जोड़ा, अभी इनके अंदर से नाग बाहर निकालता हूं। ए लड़की, ओ सुंदर लड़की, कौन हो तुम? मैं नागिन हूँ। तुम्हें कैसे पता कि तुम नागिन हो? अभी तो हमने बीन बजाना शुरू भी नहीं किया, और वैसे भी कोई नागिन जैसे कपड़े पहन के नागिन नहीं हो जाता, अपनी बीन बजाते हैं और पता लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार इच्छाधारी नागिन छिपकली के रूप में महल में आई हो? दिग्गी मामू ने भी कहा था कि इच्छाधारी नागिन किसी का भी रूप ले सकती है, कहीं इसने छिपकली का तो नहीं लिया? हमने भी बीरबल जी की तरकीब में उनका सहयोग दिया, खुश हो गए वो और बोले कि क्या हुआ तुम? बोलो। आज हमारी और महाराज की एक माह वाली सालगिरह है और देखना उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं, और ऊपर से जब भी उन्हें फुर्सत होती है तो महारानी उन्हें छोड़ती ही कहाँ है। दिलो महारानी को कुछ ना कहो, दिल की बहुत अच्छी है, वो तो पत्नी धर्म निभा रही हैं, जो हर सुहागन को करना चाहिए, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो देख शहजादे अपनी नागिन ढूंढ रहे हैं, चल आज तो इन्हें अपनी नागिन से मिलवाई देते हैं, वो भी एक नहीं दो दो। तिल्लो हमारा मन नहीं है। अरे चलना, बहुत मजा आएगा। तारा जी अच्छा आप आ गई, ये देखिए ये नागिन है। ओ। जहांपना पर ऐसा जादू बिखेरा है? जादू? कैसा जादू? नृत्य कला का जादू। वो क्या है ना, पुरुषों को आकर्षित करने के लिए नृत्य कला सबसे तात्थैया थैया है, बस इसी तरह महाराज के सामने थोड़ा तनकदिंदा करके उन्हें मोहित कर लीजिए। तिल्लो पर उन्हें मोहित करने के लिए तो हमने उनकी तस्वीर बनाई है। आपकी तस्वीर से कहीं ज्यादा नृत्य कला काम करेगी। महाराज के सामने थोड़ा नागिन नृत्य कीजिए और फिर देखिए महाराज आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। सच मच? हे ईश्वर, इसका अर्थ ये है कि तारा भाई इच्छाधारी नागिन की सहायक नहीं, खुद एक इच्छाधारी नागिन है। ना,
हमें आप दोनों की बातों पर यकीन है ही नहीं। ना। महाराज, तो क्या आपको ताराबाई पर हमारे शेखों और छोटे से अधिक विश्वास है? भूलिए मत महाराज, जान में दाग हो सकता है लेकिन महारानी के परिवार में नहीं। अब्बू जान, अगले बादशाह हम हैं, तो हमारी बात का तो यकीन कीजिए। जब हमने बीन बजाई तो ताराबाई के साथ साथ तलोत्मा भी नागिन नृत्य करने लगी। ता थाई तिरक थाई। क्या इसका मतलब तमा तमा यानी तलोत्मा भी नागिन? वो हमें नहीं पता, किंतु हम दावे के साथ कह सकते जीजाजी कि ताराबाई एक नागिन है। नागिन, इससे पूर्व भी हमने आपसे कहा था कि हमने उसे किसी रहस्य के विषय में बात करते हुए सुना था, किंतु उसके पश्चात भी यदि आपको हम पे यकीन नहीं है तो ये विशेष बीन उसके समक्ष जाके बजा के तो देखिए। लीजिए बजाइए। हाँ महाराज। हाँ। और हम तो कहते हैं आप उसके सामने अकेले ही जाए ताकि उसे आप पर संदेह ना हो और हम सब आपके पीछे पीछे छिप कर आएंगे। हम अकेले गए तो तारा हमारे गले लग जाएगी, फिर हमारे लिए नागिन से ज्यादा खतरनाक तो महारानी हो जाएगी। उचित कहा आपने जीजी, छिप कर जाएंगे और यदि वो ताराबाई नागिन निकली तो बाबा नागो की वो बस मुझ पे मार देंगे। महाराज ऊपर नहीं, उधर चलिए ताराबाई के कक्ष में। चलिए 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 चलिए। आई 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 महाराज चलिए। पता नहीं महल में कितनी नागिन घूम रही है। हम महल में रह रहे हैं या नागलोक में? वाह क्या बात है। लगता है ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, झांपना आ रहे हैं। आप नृत्य करते रहिए, हम छिप जाते हैं। ठीक है। जरा आराम से खच खच सीखो। ये क्या कर रहे हैं आपके हाथ पदार्थ? ये कोई नागिन नहीं। फट जाइए हमारे मांस से राजा बिरबल जी। सब कुछ देखने के बाद भी आप हमसे कह रहे हैं कि अच्छाधारी नागिन नहीं है। ये अच्छाधारी नागिन है और हम इसे इसी क्षण भस्म कर देंगे। अरे रुक जाइए, आपका कोई गलत फहमी हो रही है। कोई गलत फहमी नहीं है राजा बिरबल जी, हट जाइए आप। नागिन को बचा रहे हैं? अरे महारानी साहब बात समझने की कोशिश कीजिए, ये नागिन नहीं हो सकती। ये नागिन क्यों नहीं हो सकती राजा बीरबल जी? क्योंकि बोलिए बीरबल, ये नागिन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नागिन मैं हूँ।